डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर इंग्लिश फर्स्ट बुक और फर्स्ट लेसन की ट्रांसलेशन करेंगे। ट्रांसलेशन करने से पहले आप सब लोग एक दो बातें ज़हन नशीन कर लीजिए कि ट्रांसलेशन के लिए लफ्ज़ी तर्जमा बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं होता। हमेशा बा मुहावरा तर्जमा कीजिए और बा मानी बा रब्त मफहूम उसका अदा होना चाहिए। ट्रांसलेशन मुख्तलिफ तो हो सकती है, हर एक का अंदाज़ मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन उसका मफहूम नहीं बदलना चाहिए। अगर मफहूम बदल गया तो वो ट्रांसलेशन गलत हो जाएगी, लेकिन लफ्ज़ी तर्जमे से गुरेज करें। और जहाँ पर सेंटेंसेस इंग्लिश के सेंटेंसेस लंबे हों तो वहाँ पर आपने दो या तीन हिस्सों में उसकी ट्रांसलेशन करनी है। उर्दू में छोटे छोटे सेंटेंसेस बना लेने हैं जैसे भी मुनासिब हो। तो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट लेसन है बटन बटन। द पैकेज वॉज लाइंग बंडल पार्सल प्लंदा। पैकेज कहते हैं बंडल पार्सल प्लंदा। वॉज लाइंग पड़ा हुआ था बाय द फ्रंट डोर सामने वाले दरवाजे के करीब। बाय करीब द फ्रंट डोर सामने वाला दरवाज़ा या सदर दरवाज़ा उसको बोलते हैं। प्लंदा पार्सल कुछ भी कह दें, बंडल सदर दरवाजे के करीब पड़ा हुआ था। अब यहाँ डैश लगाकर उसकी वजाहत की जा रही है। डैश जो है ये एक्सप्लेनेशन के लिए होती है, उसकी किसी चीज़ की वजाहत करनी हो तो अब बंडल क्या है? अ क्यूब शेप्ड कार्टन। क्यूब शेप्ड कार्टन मुकाब नुमा शक्ल का एक डिब्बा। सील्ड विद टेप जो टेप से सर बमोहर था। सील का मतलब होता है सर बमोहर। टेप कहते हैं फीते को जो फीते से सरब मोहर था, या टेप भी लिख सकते हैं जो टेप से सरब मोहर था, बंद किया गया था। देयर नेम एंड एड्रेस प्रिंटेड बाय हैंड। उनके नाम और पता हाथ से, उनका नाम और पता हाथ से लिखा हुआ था। वो जो बंडल था, पैकेज था, वो कैसा था? क्यूब शेप्ड था और टेप से उसको बंद कर दिया गया था और उनका जो नाम था वो हाथ से लिखा गया था। मिस्टर एंड मिसेस आर्थर लुईस। क्या लिखा हुआ था वहाँ पर? मिस्टर एंड मिसेस आर्थर लुईस। 217E 37th स्ट्रीट न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क 10016 ये कोड है। ये सब कुछ आपने ऐसे लिखना है उर्दू में। नॉर्मा पिक इट अप। नॉर्मा ने इसे उठाया। अनलॉक द डोर दरवाजे का ताला खोला। अनलॉक द डोर दरवाजे का ताला खोला। एंड वेंट इनटू द अपार्टमेंट और अपार्टमेंट में चली गई। अपार्टमेंट एक छोटा सा घर और अपार्टमेंट में अपार्टमेंट का अपार्टमेंट ही लिख सकते हैं, अपार्टमेंट और घर चली गई। इट वॉज जस्ट गेटिंग डार्क। अंधेरा हो रहा था। अंधेरा हो रहा था, अंधेरा होने लगा था, अंधेरा होने वाला था। आफ्टर शी हैड पुट द लैम चॉप्स इन द ब्रॉयलर। बकरे की चांपें, लैम चॉप्स बकरे की चांपें। पुट डालना, रखना। इन द ब्रॉयलर इसे बोलते हैं जाली। ब्रॉयलर होती है लोहे की जाली जिसके ऊपर हम बारबेक्यू करते हैं। आफ्टर शी हैड पुट द लैम चॉप्स इन द ब्रॉयलर। जाली पर बकरे की चांपें रखने के बाद शी सैट डाउन वो बैठ गई। टू ओपन द पैकेज, पैकेज खोलने के लिए।
वो पैकेज खोलने के लिए पुलंदा खोलने के लिए बैठ गई। इनसाइड द कार्टन डिब्बे के अंदर वॉज अ पुश बटन, एक दबाने वाला बटन था। एक बटन दबाने वाला यूनिट था। इनसाइड द कार्टन डिब्बे के अंदर वॉज अ पुश बटन यूनिट, बटन दबाने वाला एक आला था, फासेंड जो चिपका हुआ था, फासेंड जो जुड़ा हुआ था, फासेंड मतलब जुड़ा हुआ होना, जो जुड़ा हुआ था, चिपका हुआ था, टू अ स्मॉल वुडन बॉक्स, एक छोटे से लकड़ी के डिब्बे के साथ। फिर देखें डिब्बे के अंदर एक दबाने बटन दबाने वाला आला था जो एक छोटे से लकड़ी के डिब्बे से चिपका हुआ था या जुड़ा हुआ था। अ ग्लास डोम, शीशे का मेहराब, डोम मेहराब, ग्लास डोम शीशे का मेहराब या मेहराबी शीशे ने। कवर्ड द बटन, बटन को ढांप रखा था। क्या मतलब, बटन है ना, बटन के ऊपर एक मेहराबी शक्ल का गोल सा शीशे का एक ढकना था तो उसके ऊपर था, तो मेहराबी शीशे ने बटन को ढांप रखा था या मेहराब बटन के ऊपर मेहराबी शीशा था। नॉर्मा ट्राई टू लिफ्ट इट ऑफ, नॉर्मा ने इसे ऊपर उठाने की कोशिश की, किसको, इट शीशे को जो ग्लास डोम है इसको ऊपर उठाने की कोशिश की, बट इट वॉज लॉक्ड इन प्लेस, लेकिन ये अपनी जगह पर मुकफ्फल था, यानी इसे ताला लगा हुआ था, बट इट वॉज लॉक्ड इन प्लेस, लेकिन वहां पर ताला लगा हुआ था। शी टर्न द यूनिट ओवर, उसने यूनिट डिब्बे को, टर्न ओवर का मतलब उल्टा कर दिया, उसने डिब्बे को उल्टा कर दिया। एंड सा अ फोल्डेड पीस ऑफ पेपर, और उसे कागज का एक, फोल्ड का मतलब मुड़ा हुआ, कागज का मुड़ा हुआ, तहशुदा पीस ऑफ पेपर, कागज का वर्क, पीस ऑफ पेपर कागज का वर्क, मुड़ा हुआ या तहशुदा कागज का वर्क नजर आया। एंसा अ फोल्डर पीस, अ फोल्डेड पीस ऑफ पेपर, और से कागज का एक मुड़ा हुआ वर्क दिखाई दिया। स्कॉच टेप्ड, जिसको, जिस पर स्कॉच टेप लगाई गई थी, शफाफ टेप लगाई गई थी, जिसको शफाफ टेप से चिपकाया गया था, स्कॉच टेप जिसको शफाफ टेप से चिपकाया गया था, टू द बॉटम, तह से, पेंदे से, ओ द बॉक्स डिब्बे के, जिसको डिब्बे के पेंदे से शफाफ टेप से चिपकाया गया था। शी पुल्ड इट, उसने उसको, पुल्ड इट ऑफ, उसने उसे खींचकर उतार लिया। शी पुल्ड इट ऑफ, उसने उसको खींचा, एंड ऑफ और उतार लिया, खींचकर उतार लिया। मिस्टर स्टूअर्ट विल कम, विल कॉल ऑन यू, कॉल ऑन का होता है मिलने आना, किसी से मिलने आना। मिस्टर स्टूअर्ट विल कॉल ऑन यू, मिस्टर स्टूअर्ट आपसे मिलने आएंगे एट 8 PM, शाम 8 बजे। नॉर्मा पुट द बटन यूनिट बिसाइड हर, नॉर्मा पुट द बटन यूनिट, नॉर्मा ने बटन वाला आला पुट रख दिया, बिसाइड हर अपने पास, ऑन द कोच सोफे पर। नॉर्मा ने बटन वाला आला या बटन वाला यूनिट अपने पास सोफे पर रख दिया। शी री रेड, री रीड नहीं बोलेंगे, री रेड पास्ट में है। शी री रेड, उसने उसे बार बार पढ़ा, दोबारा पढ़ा,
द टाइप नोट, उसने उसने टाइप नोट टाइप किया हुआ नोट का लो तहरीर, री रेड दोबारा पढ़ा, उसने टाइप की हुई तहरीर नोट का लो तहरीर दोबारा पढ़ी, स्माइलिंग मुस्कुराते हुए, उसने मुस्कुराते हुए टाइप की हुई तहरीर को दोबारा पढ़ा। A few moments later, कुछ देर बाद, चंद ही लम्हों बाद, she went back, वो वापस चली गई, into the kitchen, बावर्ची खाने में, to make the salad, सैलड बनाने के लिए। कुछ देर बाद, चंद ही लम्हों बाद, वो बावर्ची खाने में सैलड बनाने के लिए वापस चली गई। वो सैलड बनाने के लिए बावर्ची खाने में वापस चली गई। The doorbell rang, दरवाजे की घंटी बजी, at 8 o'clock, 8 बजे, 8 बजे दरवाजे की घंटी बजी। I'll get it, मैं देखती हूँ। I'll get it, मैं देखती हूँ। Norma called, Norma ने आवाज़ दी from the kitchen, किचन से, क्या मतलब, Norma ने किचन से कहा मैं देखती हूँ। I'll get it, मैं देखती हूँ, मैं इसे हासिल करूँगी नहीं, I'll get it, मैं देखती हूँ। Norma called, Norma ने आवाज़ दी from the kitchen, किचन से, Norma ने किचन से कहा, किचन से आवाज़ दी। Arthur was in the living room reading, Arthur दीवान खाने में बैठा पढ़ रहा था, Arthur दीवान खाने में पढ़ रहा था, मुतालिया कर रहा था। There was a small man, एक छोटे कद का आदमी था, इन द हॉलवे, राहदारी में, राहदारी में एक छोटे कद का आदमी खड़ा हुआ था। He removed his hat, उसने अपनी टोपी उतारी। As Norma opened the door, जो ही Norma ने दरवाजा खोला, तो इसका तर्जमा पहले करेंगे, जो ही Norma ने दरवाजा खोला तो उसने अपनी हैट उतार दी। मिसेस लुईस, अब देखें ये अंदाज कैसे है, मिसेस लुईस इसकी पंक्चुएशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने पंक्चुएशन भी साथ साथ देखनी है। तो देखिए आगे क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क है तो उसका मतलब है वो पूछ रहा है, तो आपने याद रखना होगा, ये पूरा सीन याद रखना होगा, एक एक लफ्ज, एक एक सेंटेंस आपने जहन में बिठाना होगा, जैसे आप ड्रामा देखते हैं उसी तरह से, क्योंकि अब आपको ऐसे दिया होगा तो आपने यहाँ पर साइन ऑफ इंटरोगेशन आपने लगाना है। मिसेस लुईस, क्या आप मिसेस लुईस हैं? ही इंक्वायर्ड पोलाइटली, उसने बड़ी शाइस्तगी से पूछा। अब देखिए वो कह रही हैं यस, नहीं कहा यस, यस वो कह रही हैं यस, अब वो भी पूछ रही हाँ, हाँ तो, जैसे हम कहते हैं हाँ तो, आगे क्वेश्चन मार्क है, तो आई एम मिस्टर स्टूवर्ड, मैं मिस्टर स्टूवर्ड हूँ। ओ यस, ओ अच्छा, Norma रिप्रेस्ड अ स्माइल, Norma ने हंसी दबाते हुए कहा, मुस्कुराहट दबाते हुए कहा, हंसी दबाते हुए कहा। ओह अच्छा, Norma ने मुस्कुराहट दबाते हुए, रिप्रेस्ड अ स्माइल, दबी दबी मुस्कुराहट से कहा, दबी दबी मुस्कुराहट से कहा, या मुस्कुराहट दबाते हुए कहा। She was sure now, अब उसे यकीन था, it was a sales pitch, अब उसे यकीन हो गया था कि एक सेल्समैन का लहजा, पिच क्या होता है लहजा, जिस अंदाज में बात करता है कोई, तो जैसे सेल्समैन होते हैं जिस अंदाज से बात करते हैं, तो उसका अंदाज भी ऐसा था, तो उसने समझा ये कोई सेल्समैन है। अब उसे यकीन हो गया था कि ये कोई सेल्समैन का लहजा है। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, आस्क्ड मिस्टर स्टूवर्ड, मिस्टर स्टूवर्ड ने पूछा। आई एम ब्रदर बिजी,
मैं ज़रा मसरूफ़ हूँ, नॉर्मा सेड, नॉर्मा ने कहा। नॉर्मा ने कहा मैं ज़रा बिजी हूँ, मैं ज़रा मसरूफ़ हूँ। डोंट यू वॉन्ट टू नो वट इट इज़, क्या आप जानना नहीं चाहेंगी वट इट इज़ कि ये क्या है, क्या आप ये जानना नहीं चाहेंगी कि ये क्या है। नॉर्मा टर्न्ड बैक, नॉर्मा टर्न्ड बैक वापस मुड़ी। मिस्टर स्टूवर्ट्स टोन हैड बीन ऑफेंसिव, मिस्टर स्टूवर्ट्स का लहजा हैड बीन ऑफेंसिव, जारहाना था। नो नहीं, आई डोंट थिंक सो, मैं ऐसा नहीं समझती, शी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया। उसने कहा नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है, मैं ऐसा नहीं समझती। इट कुड प्रूव वेरी वेरी वैल्यूएबल, ही टोल्ड हर, इट कुड प्रूव, ये साबित हो सकता है, वेरी वैल्यूएबल, बहुत कीमती, ही टोल्ड हर, उसने उसे कहा कि ये बहुत कीमती साबित हो सकता है, मॉनिटरीली, मालियाती तौर पर, पैसों के एतबार से। शी चैलेंज्ड, उसने पूछा कि क्या मालियाती तौर पर या पैसों के लिहाज से कीमती हो सकता है। मिस्टर स्टूवर्ट नोडिड, नोड कॉल होता है हाँ में सर हिलाना, असबात में सर हिलाना या हाँ में सर हिलाना। मिस्टर स्टूवर्ट ने असबात में सर हिलाया या हाँ में सर हिलाया और कहा मॉनिटरीली, ही सेड, और कहा मालियाती तौर पर। नॉर्मा फ्रॉन्ड, नॉर्मा ने त्योरी चढ़ाई, माथे पर बल चढ़ाए, नॉर्मा के माथे पर बल आ गए। नॉर्मा ने मुंह बनाया। She didn't like his attitude. उसे उसका अंदाज पसंद ना आया। She didn't like, उसे पसंद ना आया। His attitude, उसका अंदाज, उसका रवैया। What are you trying to sell? आप क्या बेचने की कोशिश कर रहे हैं? She asked, उसने पूछा। I'm not selling anything, मैं कुछ भी नहीं बेच रहा हूँ। He answered, उसने जवाब दिया। Arthur came out of the living room. Arthur दीवान खाने से बाहर आ गया। ये बाहर आ गए। Something wrong? क्या कोई मसला है? कोई गड़बड़ है? क्या कोई मसला है? Mr. Stewart introduced himself. Mr. Stewart ने अपना तारुफ करवाया। अच्छा वो, अब यहाँ पर इनकम्प्लीट सेंटेंस है, मतलब उससे भी याद आ गया। अच्छा वो आदमी जिसने कहा था कि मैं शाम को 8 बजे आऊँगा। यहाँ पर आपने ये जहन में रखना है कि आपने जब पंक्चुएट करेंगी तो यहाँ पर आपने डैश लगानी है। आर्थर पॉइंटेड टुवर्ड्स द लिविंग रूम, आर्थर ने दीवान खाने की तरफ इशारा किया। एंड स्माइल्ड, और मुस्करा दिया। व्हाट इज़ दैट गैजेट एनीवे, बहरहाल, आखिर, व्हाट इज़ दैट गैजेट, ये कलपुर्जा, गैजेट कहते हैं कलपुर्जा या मशीन, ये मशीन आखिर है क्या, ये कलपुर्जा आखिर है क्या। इट वॉन्ट टेक लॉन्ग, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। इट वॉन्ट टेक लॉन्ग, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा टू एक्सप्लेन, वजाहत करने में। रिप्लाइड मिस्टर स्टूवर्ट ने जवाब दिया। मे आई कम इन, फिर उसने कहा क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। इफ यू आर सेलिंग समथिंग, अगर आप कोई चीज़ बेच रहे हो तो, यहाँ भी उसने इनकम्प्लीट सेंटेंस, पूरी बात नहीं की और वहीं पर रुक गया।
आर्थर ने कहा। मिस्टर स्टुअर्ट ने अपना सर नफी में हिलाया, यानी ना में हिलाया। आई एम नॉट, मैं नहीं बेच रहा हूँ, उसने कहा। उसने नफी में सर हिलाया और कहा कि आई एम नॉट, मैं नहीं बेच रहा हूँ। आर्थर लुक्ड एट नॉर्मा, आर्थर ने नॉर्मा की तरफ देखा, यानी नॉर्मा की तरफ सवालिया नज़रों से देखा कि हाँ जी क्या करना है, क्या ख्याल है। तो उसने क्या कहा, अप टू यू, आपकी मर्जी, आप पर मुनहसर है, जैसे आपकी मर्जी, अप टू यू, जैसे आपकी मर्जी, शी सेड, उसने कहा। उसने कहा ये आप पर मुनहसर है, या फिर उसने कहा या जैसे आपकी मर्जी। ही हेजिटेटेड, उसने थोड़ी देर तवक्कुफ किया। तवक्कुफ करना, ठहरना, हिचकचाना। वो थोड़ी देर हिचकचाया। वेल व्हाई नॉट, हाँ क्यों नहीं, ही सेड, उसने कहा। दे वेंट इन टू द लिविंग रूम, वो दीवान खाने में चले गए। एंड मिस्टर स्टुअर्ट स्टैर, और मिस्टर स्टुअर्ट बैठ गया इन नॉर्मल्स चेयर, नॉर्मा की कुर्सी पर। He reached into an inside coat pocket. उसने कोट की अंदर वाली जेब में हाथ डाला। एंड withdrew, और निकाला a small sealed envelope, एक छोटा सा सर्बमोहर, सील्ड बंद, एक छोटा सा बंद लिफाफा निकाला। इनसाइड हियर, इसके अंदर, इज अ की, चाबी है। इसके अंदर चाबी है, कौन सी, टू द बेल यूनिट डोम, बेल घंटी वाले आले की डोम, मेहराब। इनसाइड हियर, इसके अंदर, इज अ की, चाबी है, टू द बेल यूनिट डोम, घंटी वाले मेहराबी आले की, ही सेड, उसने कहा। ही सेट द एनवेलोप, उसने लिफाफा रख दिया ऑन द चेयर साइड टेबल, कुर्सी की साइड टेबल पर। उसने लिफाफा कुर्सी के साथ पड़ी हुई मेज पर रख दिया, ठीक है, साइड टेबल नहीं बोलेंगे, कुर्सी की तरफ पड़ी हुई मेज पर रख दिया, उर्दू में ट्रांसलेट करना होगा। द बेल इज कनेक्टेड, घंटी का रابطہ है टू आर ऑफिस, हमारे दफ्तर से। घंटी का हमारे ऑफिस से कनेक्शन है या रابطہ है। व्हाट्स इट फॉर, ये किस लिए है, आस्क्ड आर्थर, आर्थर ने पूछा। इफ यू पुश द बटन, अगर आप बटन को दबाओगे, इफ यू पुश द बटन, अगर आप बटन को दबाओगे, मिस्टर स्टुअर्ट टोल्ड हिम, मिस्टर स्टुअर्ट ने उसे बताया। समवेयर इन द वर्ल्ड, दुनिया में कहीं भी, समवन, कोई, यू डोंट नो, जिसे आप नहीं जानते, विल डाई, मर जाएगा। दुनिया में कहीं भी, जिसे आप नहीं जानते, मर जाएगा। इन रिटर्न इसके बदले में
इन रिटर्न फॉर विच, जिसके बदले में यू विल रिसीव, आपको मिलेगी पेमेंट रकम, इसके बदले में आपको रकम मिलेगी कितनी, ऑफ $50,000, $50,000, जिसके बदले में आपको $50,000 की रकम मिलेगी। नॉर्मा स्टेयर एट द स्मॉल मैन। नॉर्मा ने छोटे कद वाले शख्स को घूर कर देखा। He was smiling, वो मुस्कुरा रहा था। What are you talking about? आप क्या बात कर रहे हो? आर्थर ने उससे पूछा। Mr. Stewart looked surprised. Mr. Stewart हैरान दिखाई दे रहा था। But I've just explained, लेकिन मैंने अभी अभी वजाहत कर दी है, he said, उसने कहा। Is this a practical joke? क्या ये कोई अमली मजाक है? asked Arthur. Arthur ने पूछा। Not at all, हरगिज नहीं। The offer is completely genuine. ये पेशकश पूरी तरह से असली है, बिल्कुल असली है। ये पेशकश बिल्कुल असली है। You aren't making sense. आपकी समझ नहीं आ रही। आपकी बात समझ से बाहर है। You aren't making sense. आपकी बात समझ नहीं आ रही। आर्थर ने कहा। You expect us to believe? आप हमसे तवक्को कर रहे हैं कि हम इस बात पर यकीन कर लेंगे। Who do you represent? आप किसके नुमाइंदे हो? आप किसकी नुमाइंदगी कर रहे हो? Demanded Norma. नॉर्मा ने जवाब तलब किया, जवाब मांगा। मिस्टर स्टुअर्ट लुक्ड एम्बैरेस्ड। मिस्टर स्टुअर्ट परेशान दिखाई दे रहा था। एम्बैरेस्ड परेशान, शर्मिंदा। मिस्टर स्टुअर्ट शर्मिंदा दिखाई दे रहा था या परेशान दिखाई दे रहा था, दोनों लिख सकते हैं। I'm not at liberty, मुझे इजाज़त नहीं है to tell you that, मुझे ये बताने की इजाज़त नहीं है। He said, उसने कहा। However, ताहम, I assure you, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, The organization is of international scope. मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये जो तंजीम है वो बैन अल-अक्वामी मयार की है। I think, मेरा ख्याल है, you'd better leave. आपके लिए बेहतर होगा कि आप चले जाएं। मेरा ख्याल है आपके लिए बेहतर होगा कि आप चले जाएं या आप यहाँ से चले जाएं। Arthur said, standing. Arthur ने खड़े होते हुए कहा। Mr. Stewart rose. Of course. Mr. Stewart खड़ा हो गया और उसने कहा, यकीनन। And take your button unit with you. और बटन वाला आला भी अपने साथ लेते जाओ। Are you sure you wouldn't care to think about it for a day or so? Are you sure? क्या आपको यकीन है? You wouldn't care to think, क्या आप सोचने की जहमत नहीं करेंगे? About it, इसके बारे में, क्या आपको यकीन है कि आप इसके बारे में सोचने की जहमत गवारा नहीं करेंगे? For a day or so, एक दो दिन, एक आध दिन। For a day or so का मतलब होता है एक आध दिन या एक दो दिन। क्या आपको यकीन है कि आप इसके बारे में एक दो दिन सोचने की जहमत नहीं करेंगे? आर्थर
पिक्ड अप द बटन यूनिट. आर्थर ने बटन वाला आला उठाया एंड द एनवेलप और लिफाफा एंड थ्रस्ट देम और उसे थमा दिया और उन्हें थमा दिया इनटू मिस्टर स्टूवर्ट्स हैंड्स मिस्टर स्टूवर्ट्स के हाथों में. ही वॉक्ड इनटू द हॉल. वो हॉल में चला गया एंड पुल्ड ओपन द डोर और दरवाज़ा खोला. आई लीव माई कार्ड. मैं अपना कार्ड छोड़े जा रहा हूँ, सेड मिस्टर स्टूवर्ट. मिस्टर स्टूवर्ट ने कहा. ही प्लेस्ड इट ऑन द टेबल. उसने उसे मेज़ पर रखा बाय द डोर दरवाजे के पास. उसने उसे दरवाजे के पास मेज़ पर रखा. When he was gone, जब वो चला गया, Arthur tore it in half. Arthur ने उसके दो टुकड़े किए. And tossed the pieces onto the table. और टुकड़ों को मेज़ के ऊपर उछाल दिया. And tossed, उछाल दिया the pieces, टुकड़ों को onto the table, मेज़ के ऊपर. नॉर्मा वॉज स्टिल सिटिंग ऑन द सोफा. नॉर्मा अभी तक सोफे पर बैठी हुई थी. व्हाट डू यू थिंक इट वॉज. आपके ख्याल में ये क्या था, शी आस्क्ड. उसने पूछा. आई डोंट केयर टू नो. मुझे जानने की ज़रूरत ही नहीं, ही आंसर्ड. उसने जवाब दिया. शी ट्राई टू स्माइल. उसने मुस्कराने की कोशिश की बट कुडंट. लेकिन ना मुस्कुरा सकी. Aren't you curious at all? क्या आपको बिल्कुल भी तजस्सुस नहीं हो रहा? No, नहीं. He shook his head. उसने अपना सर ना में हिलाया, नफी में हिलाया. After Arthur had returned to his book. जब आर्थर अपनी किताब के पास वापस चला गया. नॉर्मा वेंट बैक टू द किचन. नॉर्मा किचन बावर्ची खाने में. किचन नहीं बोलना, बावर्ची खाना बोलना है. उर्दू के लफ्ज़ यूज़ करने हैं. नॉर्मा बावर्ची खाने में वापस चली गई. एंड फिनिश्ड वॉशिंग द डिशेस. और बर्तन धोने का काम मुकम्मल किया. और बर्तन धोने का काम मुकम्मल किया. Why won't you talk about it? आप इसके बारे में बात क्यों नहीं करेंगे, नॉर्मा आस्क्ड. नॉर्मा ने पूछा. Arthur's eyes shifted as he brushed his teeth. आर्थर की आंखें शिफ्टेड ऊपर उठी. एज ही ब्रश्ड हिज टीथ. जब वो अपने दांतों में ब्रश कर रहा था. ही लुक्ड एट हर रिफ्लेक्शन. उसने उसका अक्स देखा. इन द मिरर. इन द बाथरूम मिरर. गुसलखाने के आईने से. उसने गुसलखाने के आईने से उसका अक्स देखा. Doesn't it intrigue you? क्या इससे आपको क्या इससे आप क्या आपको इससे तजस्सुस पैदा नहीं होता? इट ऑफेंड्स मी. इससे मुझे गुस्सा आता है, आर्थर सेड. आर्थर ने कहा. आई नो, मुझे पता है. बट लेकिन. नॉर्मा रोल्ड अनदर कर्लर इन हर हेयर. नॉर्मा ने अपने बालों में एक और घूंघर डालने वाला कंघा घुमाया.
घूंगर डालने वाला कंघा, कर्लर घूंगर डालने वाला कंघा घुमाया, रोल्ड घुमाया। डजंट इंट्री यू टू, क्या ये आप में तजस्सुस भी पैदा नहीं करता। यू थिंक इट्स अ प्रैक्टिकल जोक, क्या आपके ख्याल में ये कोई अमली मजाक है या तफरीही मजाक है। शी आस्क्ड एज दे वेंट इनटू द रूम, जब वो कमरे में जा रहे थे तो उसने ये बात पूछी। इफ इट इज इट्स अ सिक्वन, अगर ये मजाक है, इफ इट इज अगर ये मजाक है तो ये एक बेहुदा मजाक है। सिक्वन बेहुदा, बीमार जहनियत का मजाक है, बहुत घटिया मजाक है। अगर ये मजाक है तो इट इज अ सिक्वन, तो ये घटिया मजाक है। नॉर्मा सैट ऑन हर चेयर, नॉर्मा अपनी कुर्सी पर बैठ गई। एंड सेड और कहा, आफ्टर अ मोमेंट एक लम्हे के बाद। नॉर्मा अपनी कुर्सी पर बैठ गई और एक लम्हे बाद कहा, मे बी इट्स सम काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च, हो सकता है ये कोई किसी किस्म की नफ्सियाती तहकीक हो। आर्थर श्रग्ड, कुड बी। आर्थर ने कंधे उचकाए और कहा, हो सकता है। आर्थर ने श्रग्ड, कंधे उचकाए और कहा, हो सकता है। मे बी सम एक्सेंट्रिक मिलेनियर इज डूइंग इट, हो सकता है कोई खपती करोड़पति या लखपति ऐसा कर रहा हो। हो सकता है कोई सरफिरा खपती करोड़पति ये कर रहा हो। मे बी हो सकता है। वुडंट यू लाइक टू नो, क्या आप जानना पसंद नहीं करेंगे। आर्थर शुक हिज हेड, आर्थर ने नफे में अपना सर हिला दिया। Why? क्यों? Because it's immoral, क्योंकि ये गैर इखलाकी बात है। He told her, उसने उसे बताया। Norma slid beneath the covers, Norma लिहाफ के नीचे घुस गई, लिहाफ में घुस गई। लिहाफ के नीचे नहीं, beneath हम नीचे है लेकिन आप बोलेंगी Norma लिहाफ में घुस गई। वेल आई थिंक इट्स इंट्रीगिंग, मेरा ख्याल है ये तजस्सुस पैदा कर रहा है, ये बात तजस्सुस पैदा कर रही है। शी सेड, उसने कहा। आर्थर टर्न्ड ऑफ द लैम्प, आर्थर ने लैम्प बुझा दिया। गुड नाइट, शब खैर, ही सेड, उसने कहा। उसने कहा शब खैर। नॉर्मा क्लोज्ड हर आईज, नॉर्मा ने अपनी आंखें बंद कर दी। $50,000, she thought, उसने सोचा, $50,000। In the morning, सुबह के वक्त, as she left the apartment, जैसे ही वो अपार्टमेंट से निकली, Norma saw the card house, Norma ने कार्ड के दो निश हिस्से देखे। On the table, मेज पर, Norma ने मेज पर कार्ड के दो निश हिस्से देखे। Impulsively, बेख्तियारी तौर पर, She dropped them, उसने उन्हें डाल दिया। Into her purse, अपने बैग में, उसने उन्हें अपने बैग में डाल दिया। She locked the front door, उसने सामने वाला दरवाज़ा मुकफ्फल किया, सामने वाले दरवाजे को ताला लगाया। And joined Arthur in the elevator, और लिफ्ट में आर्थर के पास चली गई। While she was on her coffee break, जब उसे कॉफ़ी की ब्रेक हुई, जब उसे कॉफ़ी का वक्फा हुआ या कॉफ़ी के वक्फे के दौरान, शी टुक द कार्ड हाउस फ्रॉम हर पर्स, उसने कार्ड के निसफ हिस्सों को अपने पर्स से निकाला। एंड हेल्ड द टॉर्न एजेस टुगेदर, और फटे हुए किनारों को इकट्ठे मिलाया। ओनली मिस्टर स्टीवर्ट्स नेम, सिर्फ मिस्टर स्टूवर्ट का नाम, एंड टेलीफोन नंबर, और टेलीफोन नंबर वर प्रिंटेड लिखे हुए थे ऑन द कार्ड पर।
कार्ड पर सिर्फ मिस्टर स्टूवर्ड का नाम और टेलीफोन नंबर लिखा हुआ था। आफ्टर लंच, दोपहर के खाने के बाद, शी टुक द कार्ड हाउस फ्रॉम हर पर्स। उसने कार्ड के नीचे से अपने बैग से अपने पर्स से निकाले अगेन दोबारा अपने पर्स से दोबारा निकाले एंड स्कॉच टेप द एजेस टुगेदर और किनारों पर शफाफ टेप लगाकर उन्हें जोड़ दिया। Why am I doing this? मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ? She thought, उसने सोचा। Just before five, 5 बजने से ज़रा पहले, थोड़ी देर पहले, she dialed the number, उसने नंबर घुमाया। Good afternoon, सेपहर का सलाम, said Mr. Stewart's voice, Mr. Stewart की आवाज़ आई। नॉर्मा तकरीबन टेलीफोन रखने ही वाली थी बट रिस्ट्रेंड हरसेल्फ, लेकिन अपने आप को रोका। शी क्लियर्ड हर थ्रोट, उसने अपना गला साफ किया। दिस इज मिसिज लुइस है, ये टेलीफोन पे इस तरह से अपने आप का बताना हो तो दिस इट ये बोला जाता है, आई एम नहीं बोला जाता। दिस इज मिसिज लुइस, मैं मिसिज लुइस हूँ, ही सेड, उसने कहा। यस मिसिज लुइस, जी मिसिज लुइस, मिस्टर स्टूवर्ट साउंडेड प्लीज्ड। मिस्टर स्टूवर्ट खुश दिखाई दे रहा था। साउंडेड का मतलब यहाँ पर आवाज़ नहीं बल्कि साउंड का दिखाई देना लगना। मिस्टर स्टूवर्ट खुश लग रहा था। आई एम क्यूरियस, मुझे तजस्सुस हो रहा है। दैट्स नेचुरल, ये फितरी सी बात है, मिस्टर स्टूवर्ट ने कहा। नॉट दैट आई बिलीव अ वर्ड, मुझे एक लफ्ज़ पर भी यकीन नहीं है। ऑफ व्हाट यू टोल्ड अस, जो कुछ आपने हमें बताया था, आपने जो कुछ हमें बताया था मुझे उसके एक लफ्ज़ पर भी यकीन नहीं है। इट्स क्वाइट ऑथेंटिक, अरे ये बिल्कुल सच्ची बात है, मिस्टर स्टूवर्ट ने जवाब दिया। वेल वट एवर, जो कुछ भी है। नॉर्मा स्वेलोड, नॉर्मा ने ना चाहते हुए बात मान ली। When you said someone in the world, जब आपने कहा था कि दुनिया में कोई भी, वो डाई मर जाएगा, What did you mean? तो आपका क्या मतलब था, Exactly that, बिल्कुल यही मतलब था, He answered, उसने जवाब दिया। It could be anyone, ये कोई भी हो सकता है। All we guarantee is that, बस हम इस बात की जमानत देते हैं कि you don't know them, कि आप उन्हें नहीं जानती। And of course, और यकीनन, that ये कि you wouldn't have to watch them die, और ये कि आप उन्हें मरते हुए भी नहीं देखेंगी। For $50,000, नॉर्मा सेड, नॉर्मा ने कहा $50,000 के बदले। That's correct, जी हाँ आप सही कह रही हैं। She made a scoffing sound, उसने तंजन कहा। That's crazy, ये तो पागलपन है। Nonetheless, ताहम, That is the proposition, ये पेशकश है, यही तजवीज़ है, मिस्टर स्टूवर्ट ने कहा। Would you like me to return the button unit? क्या आप पसंद करेंगी कि मैं आपको बटन यूनिट वापस ला दूं? नॉर्मा ने सख्ती से कहा। Certainly not, हरगिज़ नहीं। She hung up angrily, उसने गुस्से से फ़ोन बंद कर दिया।
द पैकेज वॉज लाइंग बाय द फ्रंट डोर. पलंदा डिब्बा पार्सल सदर दरवाजे के पास पड़ा हुआ था. नॉर्मा सॉ इट एज शी लेफ्ट द एलिवेटर. जब नॉर्मा एलिवेटर से निकल रही थी तो उसकी नज़र उस पर पड़ गई थी. वेल ऑफ ऑल द नर्व. उसकी ये जुरत, शी थॉट, उसने सोचा उसकी ये जुरत, उसने सोचा इतनी बदतमीजी. शी ग्लेयर्ड एट द कार्टन. उसने डिब्बे को घूरा. एज शी अनलॉक द डोर. जब वो दरवाज़ा खोल रही थी, दरवाज़ा खोलते वक्त उसने डिब्बे को घूर कर देखा. आई जस्ट वॉन्ट टेक इट इन. मैं इसे अंदर नहीं ले जाऊंगी, शी थॉट, उसने सोचा. शी वेंट इन साइड. वो अंदर चली गई एंड स्टार्टेड डिनर. और खाना शुरू कर दिया, रात का खाना शुरू कर दिया. लेटर बाद में शी वेंट इन टू द फ्रंट हॉल. वो सामने वाले हॉल में चली गई. ओपनिंग द डोर. दरवाज़ा खोलकर शी पिक्ड अप द पैकेज. उसने पार्सल उठाया, डिब्बा उठाया एंड कैरीड इट इन टू द किचन. और उसे उठाकर किचन में बावर्ची खाने में ले आई. लीविंग इट ऑन द टेबल. और उसे मेज़ पर रख दिया. शी सेट इन द लिविंग रूम. वो दीवान खाने में बैठ गई. लुकिंग आउट द विंडो. और खिड़की से बाहर देख रही थी. वो दीवान खाने में बैठी हुई थी और खिड़की से बाहर देख रही थी. आफ्टर अ वाइल. थोड़ी देर बाद शी वेंट बैक इन टू द किचन. वो बावर्ची खाने में वापस गई. टू टर्न द कटलेट्स इन द ब्रॉयलर. अंगीठी में कटलेट्स को पलटने के लिए. वो अंगीठी में कटलेट्स को पलटने के लिए बावर्ची खाने में वापस गई. शी पुट द पैकेज इन अ बॉटम कैबिनेट. उसने उस पार्सल को, पलंदे को, अलमारी के निचले खाने में रख दिया. बॉटम कैबिनेट, निचले खाने में. शी थ्रो इट. वो उसे फेंक देगी आउट, बाहर. इन द मॉर्निंग, सुबह के वक्त इसे बाहर फेंक देगी. मे बी सम एक्सेंट्रिक मिलेनियर इज प्लेइंग गेम्स. मे बी हो सकता है सम एक्सेंट्रिक मिलेनियर, कोई खपती करोड़पति, इज प्लेइंग गेम्स विद पीपल, लोगों के साथ खेल खेल रहा हो. हो सकता है कोई करोड़पति खपती सरफिरा लोगों के साथ खेल खेल रहा हो. शी सेड, उसने कहा. आर्थर लुक्ड अप फ्रॉम हिज डिनर. आर्थर ने खाना खाते हुए ऊपर की तरफ देखा. आई डोंट अंडरस्टैंड यू. मुझे आपकी समझ नहीं आती. व्हाट डज दैट मीन. इसका क्या मतलब है. लेट इट गो. छोड़ो इसको, दफा करो. ही टोल्ड हर. उसने उसे कहा. नॉर्मा एट इन साइलेंस. नॉर्मा खामोशी से खाती रही. सडनली अचानक शी पुट हर फोक डाउन. उसने अपना खाने वाला कांटा नीचे रखा और कहा. सपोज इट्स अ जेन्युइन ऑफर. फर्ज करो कि ये पेशकश असली हुई तो. शी सेड, उसने कहा. आर्थर स्टेयर्ड एट हर. आर्थर ने उसे उसकी तरफ घूर कर देखा. सपोज इट्स अ जेन्युइन ऑफर. फिर उसने सवाली अंदाज में कहा. फर्ज करो ये असली पेशकश है तो. ऑल राइट सपोज इट इज. ठीक है. दोबारा देखें, वो सवालिया अंदाज में पूछ रहा है. सपोज इट इज. ठीक है, फर्ज करो अगर ऐसा ही है तो. ही लुक्ड इनक्रेडुलस. ऐसे लगता था जैसे उसे यकीन ना आ रहा हो, मतलब
नॉर्मा पर यकीन आ रहा हो कि वह ऐसा सोच रही है। What would you like to do? आप क्या करना चाहेंगी? Get the button back. बटन वापस ले आएंगी एंड पुश इट और उसे दबा देंगी। मर्डर समवन किसी का कत्ल कर दोगी। नॉर्मा लुक्ड डिस्गस्टेड। नॉर्मा बेजार दिखाई दे रही थी। मर्डर हाउ यू डिफाइन इट आप इसकी क्या तारीफ करेंगे, यानी मर्डर की क्या तारीफ करेंगे, कैसी क्या डेफिनेशन होगी इसकी। हाउ यू डिफाइन इट आप इसकी वजाहत कैसे करेंगे, आप इसकी तारीफ क्या करेंगे। इफ यू डोंट इवन नो द पर्सन अगर आप उस शख्स को जानते भी नहीं हैं, नॉर्मा से नॉर्मा ने कहा, और ये सवाल ये निशान है तो वो पूछ रही है। इफ़ यू डोंट इवन नो द पर्सन अगर आप उस शख्स को जानते भी नहीं हैं तो इसका मतलब है क्या फिर भी वो मर्डर होगा, नॉर्मा सेड नॉर्मा ने कहा। आर्थर लुक्ड अस्टाउंडेड। आर्थर बहुत हैरान दिखाई दे रहा था। आर यू सेइंग क्या तुम वो कह रही हो, व्हाट आई थिंक यू आर जो मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ, क्या तुम वो कह रही हो। If it's some old Chinese peasant, अब वो नॉर्मा कह रही है, If it is some old Chinese peasant, अगर ये शख्स कोई बूढ़ा चीनी किसान हो, 10,000 miles away और 10,000 मील दूर रहता हो, तो फिर कहती है, Some diseased native in the Congo, या कोई डिजीज्ड बीमार नेटिव बाशिंदा हो, इन द कांगो, कांगो का कोई बीमार बाशिंदा हो, वो तो वैसे ही मरने वाला है, तो उसका तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि कौन है कहाँ। दुनिया में हज़ारों लोग मरते हैं, तो वो इस तरह के सवालात कर रही है आर्थर से। हाउ अबाउट सम बेबी बॉय, अब वो आर्थर जो है वो जवाब देता है, वो कहते हैं हाउ अबाउट सम बेबी बॉय इन पेंसिल्वेनिया। पेंसिल्वेनिया में एक छोटे से बच्चे के बारे में क्या ख्याल है, मतलब वो कहने का ये है उसका कि अगर पेंसिल्वेनिया में एक छोटा सा बच्चा मर जाता है तो फिर क्या होगा। आर्थर काउंटर्ड, आर्थर ने जवाबी वार किया, जवाबी हमला किया। सम ब्यूटीफुल लिटिल गर्ल ऑन द नेक्स्ट ब्लॉक, अगले ब्लॉक की अगर कोई छोटी सी खूबसूरत सी छोटी सी प्यारी सी बच्ची हो तो फिर क्या करोगी। नाउ यू आर लोडिंग थिंग्स, अब आप बात बढ़ा रहे हैं। यू आर लोडिंग थिंग्स, आप बात बढ़ा चढ़ा कर बयान कर रहे हैं। द पॉइंट इज नॉर्मा, नॉर्मा बात यह है, ही कंटिन्यूड, उसने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, What's the difference who you kill? इसमें क्या फ़र्क है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि आप किसको कत्ल करते हो। It's still murder, ये फिर भी कत्ल ही है। It's still murder, ये फिर भी कत्ल ही है। The point is, Norma broke in. बात ये है, Norma ने बात काटते हुए कहा, If it's someone you've never seen in your life, अगर ये कोई ऐसा शख्स है जिसे आपने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा, and never will see, और ना ही कभी आप उसे देखोगे, someone whose death you don't even have to know about, someone कोई ऐसा शख्स whose death, जिसकी मौत you don't even have to know about, जिसकी मौत के बारे में आपको जानने की ज़रूरत भी नहीं होगी, आपको आप जान भी नहीं सकेंगे। यू स्टिल वुडंट पुश द बटन, फिर भी आप बटन नहीं दबाएंगे। आर्थर स्टेयर्ड एट हर, आर्थर ने उसे घूर कर देखा, हैरत से देखा, अपॉल्ड दहशतजदा होकर। आर्थर दहशतजदा होकर उसकी तरफ घूरने लगा, उसे घूर कर देखा। You mean you would? इसका मतलब है कि तुम दबा दोगी। $50,000 आर्थर, $50,000 हैं। What is the amount?
पैसों का क्या है? What has amount? पैसों का क्या है? $50,000 आर्थर, आर्थर $50,000 हैं। नॉर्मा इंटरप्टेड, नॉर्मा ने बात काटते हुए कहा, A chance to take that trip to Europe you've always talked about. A chance, मौका मिल रहा है to take that trip, सैर का, to Europe, यूरोप की सैर का, यूरोप की सैर का हमें मौका मिल रहा है. We've always talked about, जिसके बारे में हम हमेशा बातें करते रहते हैं, जिसके बारे में हमने हमेशा बात की है. नॉर्मा नो, नॉर्मा नहीं. A chance to buy that cottage on the island, उस जजीरे पर एक छोटी छोटा सा घर खरीदने का मौका है. नॉर्मा नो, नहीं नॉर्मा. His face was white, उसका चेहरा फक हो रहा था, उसका चेहरा सफ़ेद हो रहा था. She shuddered, उसने कंधे उचकाए. All right, ठीक है, take it easy, ठीक है, तसल्ली रखो, सुकून रखो. She said, उसने कहा, Why are you getting so upset? आप इतने परेशान क्यों हो रहे हो? It's only talk. ये तो हम बस एक बात कर रहे हैं, ये तो बस एक बात है. एक तो मैं तो एक बस बात कर रही थी. After dinner, शाम के खाने के बाद, Arthur went into the living room. आर्थर दीवान खाने में चला गया. बिफोर ही लेफ्ट द टेबल, इससे पहले कि वो मेज़ छोड़ता, मेज से रवाना होता, मतलब खाने की मेज से उठता, ही सेड, उसने कहा, आई'd rather not discuss it anymore. मैं मज़ीद इस पर बहस नहीं करूँगा. If you don't mind, अगर आप बुरा ना मानो, अगर आप बुरा ना मानो तो मैं इस पर मज़ीद कोई बहस नहीं करूँगा. नॉर्मा श्रग्ड, नॉर्मा ने अपने कंधे उचकाए. फाइन विद मी, ठीक है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. फाइन विद मी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है. शी गॉट अप अर्लियर, वो ज़रा पहले उठी. गॉट अप, उठी, अर्लियर, ज़रा पहले. देन यूजुअल, मामूल से, वो मामूल से ज़रा पहले उठी. टू मेक पैनकेक्स, एग्स एंड टी फॉर आर्थर्स ब्रेकफास्ट, आर्थर के नाश्ते के लिए पैनकेक्स, अंडे और चाय बनाने के लिए वो मामूल से ज़रा पहले उठी. व्हाट्स द ओकेजन, कोई ख़ास मौका है? ही आस्क्ड विद अ स्माइल, उसने मुस्कराते हुए पूछा. न ओकेजन, नहीं, कोई ख़ास मौका नहीं है. नॉर्मा लुक्ड ऑफेंडेड, नॉर्मा नाराज दिखाई दे रही थी. आई वॉन्टेड टू डू इट, दैट्स ऑल. आई वॉन्टेड टू डू इट, मैं ऐसा करना चाह रही थी, दैट्स ऑल, और बस. गुड, अच्छी बात है, ही सेड, उसने कहा. आई एम ग्लैड यू डिड, मुझे खुशी हो रही है कि आपने ऐसा किया. शी रिफिल्ड हिज कप, उसने उसके कप में दोबारा चाय डाली. वॉन्टेड टू शो यू, मैं आपको ये जाहिर करना, मैं आपको ये बताना चाहती थी, आपको ये दिखाना चाहती थी. आई एम नॉट, कि मैं नहीं हूँ. अब यहाँ देखें, खाली जगह है, तो क्या नहीं हूँ? शीश रग्ड, उसने कंधे उचकाए. तो आर्थर पूछ रहा है, नॉट बट, क्या नहीं हो? फिर वो कहती है, सेल्फिश, यानी मैं आपको ये दिखाना चाहती थी कि मैं सेल्फिश नहीं हूँ, खुदगर्ज नहीं हूँ. डिड आई से यू वर, क्या मैंने तुम्हें कहा था कि तुम खुदगर्ज हो? Well, she gestured vaguely, उसने गैर वाजे एक इशारा किया, मुबहम सा इशारा किया. क्या इशारा किया? Last night, सिर्फ ये क्या इशारा? कल रात, गुज़िश्ता रात. Arthur didn't speak, Arthur खामोश रहा, कुछ ना बोला. All that talk about the button, वो सारी बटन के बारे में गुफ्तगू. Norma said, Norma ने कहा, I think, मेरा ख्याल है. Well, misunderstood me, आपने मुझे गलत समझा. In what way, किस लिहाज से? His voice was guarded, उसकी आवाज़ मोहतात थी, मतलब बड़े प्यार से
एक मोहतात अंदाज से, मोहतात लहजे में बोल रहा था। हिज वॉइस वॉज गार्डेड, उसकी आवाज़ या उसका लहजा मोहतात था। आई थिंक यू फेल्ट, मेरा ख्याल है कि आपने महसूस किया। शी जेस्टर्ड अगेन, उसने दोबारा इशारा किया। क्या इशारा किया? दैट आई वॉज ओनली थिंकिंग ऑफ माई सेल्फ, कि मैं सिर्फ सिर्फ अपने लिए सोच रही थी। ओह, आर्थर कहता है ओह। फिर वो कहती है आई वॉजेंट, मतलब आई वॉजेंट थिंकिंग ऑफ माई सेल्फ, पूरा ये है आई वॉजेंट, मैं अपने बारे में नहीं सोच रही थी। फिर वो कहता है नॉर्मा, आगे इनकम्प्लीट सेंटेंस है। वेल, फिर वो कह रही है आई वॉजेंट, मैं अपने बारे में नहीं सोच रही थी। वेन आई टॉक्ड अबाउट यूरोप, जब मैंने यूरोप की बात की थी। अ कॉटेज ऑन द आइलैंड, जजीरे पर छोटे से घर के बारे में बात की थी। कॉटेज कहते हैं छोटा सा घर। वो कहता है, और से कहता है नॉर्मा, वाई आर यू गेटिंग सो इन्वॉल्व्ड इन दिस, वाई आर वी गेटिंग सो इन्वॉल्व्ड इन दिस, नॉर्मा हम इसमें इतने क्यों उलझ रहे हैं, वाई आर वी गेटिंग सो इन्वॉल्व्ड, गेट सो इन्वॉल्व का मतलब इतना उलझना, हम इसमें इतना क्यों उलझ रहे हैं। आई एम नॉट इन्वॉल्व एट ऑल, मैं तो हरगिज नहीं उलझ रही हूँ। शी ड्रू अ शेकिंग ब्रेथ, उसने एक लरजती हुई सांस ली, कांपती हुई सांस, लरजती हुई सांस। आई एम सिंपली ट्राइंग टू इंडिकेट, मैं तो बस सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रही थी, दैट के, फिर वो इनकम्प्लीट सेंटेंस है। फिर वो पूछता है व्हाट, क्या बताने की कोशिश कर रही थी, तो वो फिर बताती है दैट के आई'd लाइक फॉर अस, कि मैं चाहती थी कि हमारा, आई'd लाइक फॉर अस टू गो टू यूरोप, मैं चाहती थी कि हम यूरोप जाएं। लाइक फॉर अस, मैं चाहती थी कि हम हैव अ कॉटेज, टू हैव अ कॉटेज ऑन द आइलैंड, कि हमारा जजीरे पर एक छोटा सा घर हो। लाइक फॉर अस, मैं चाहती थी कि टू हैव अ नाइसर अपार्टमेंट, हमारा अच्छा सा उम्दा सा घर हो। नाइसर फर्नीचर, अच्छा सा फर्नीचर हो। नाइसर क्लोथ्स, अच्छे कपड़े हों। अ कार और एक कार भी हो। नॉर्मा वी विल, ही सेड नॉर्मा वी विल हैव ऑल दीज, ठीक है। तो नॉर्मा, हमारे पास ये सब कुछ आ जाएगा, ही सेड, उसने कहा। व्हेन, कब आएगा? ही स्टेयर्ड एट हर, उसने उसकी तरफ घूर कर देखा इन डिसमे, मायूसी से, अफसरदगी से, मायूसी से। नॉर्मा, इनकम्प्लीट सेंटेंस। फिर वो कहती व्हेन, कब आएगा? फिर वो कहता आर यू, क्या आप? ही सीम टू ड्रॉप बैक स्लाइटली, ही सीम, अब जाहिर सी बात है वो चाहता था मैं इस पर बात पर डिस्कस नहीं करूँगा, तो फिर उसने बस ये कहा आर यू, फिर उसके बाद उसने कहा ही सीम टू ड्रॉ बैक स्लाइटली, ऐसे लगता था जैसे वो अपने मौकफ से थोड़ा सा हट रहा हो। सीम्ड, ऐसा लगता था, टू ड्रॉ बैक, पीछे हट रहा हो, स्लाइटली, थोड़ा सा, ड्रॉ बैक मतलब है अपने मौकफ से हटना। आर यू रियली सेइंग, क्या तुम वाकई ऐसा कह रही हो? आई एम सेइंग दैट, वो कहती है आई एम सेइंग दैट, मैं ये कह रही हूँ कि दे आर प्रोबली डूइंग इट, हो प्रोबली, गालबन, शायद, हो सकता है कि वो ऐसा कर रहे हों फॉर सम रिसर्च प्रोजेक्ट, किसी तहकीकी मनसूबे के लिए। शी कट हिम ऑफ, उसने उसकी बात काटते हुए कहा। फिर वो कहती है दैट दे वॉन्ट टू नो, कि वो ये जानना चाहते हों व्हाट एवरेज पीपल, के आम लोग क्या वुड डू, क्या करेंगे अंडर सच अ सर्कमस्टांस, ऐसी सूरत हाल में। वो ये जानना चाहते हों कि आम लोग ऐसी सूरत हाल में क्या करेंगे। दैट, ये कि दे आर जस्ट सेइंग समवन वुड डाई, वो बस ऐसे ही कह रहे हों कि कोई मर जाएगा। इन ऑर्डर टू स्टडी रिएक्शंस, ताकि वो लोगों के रद्द अमल का मुतालिया करें। सी इफ देयर वुड बी अ गिल्ट, कि क्या ये देखें कि क्या कोई जुर्म
एंग्जाइटी, परेशानी, वट एवर या कुछ और होता है? यू डोंट रियली थिंक दे किल समबॉडी? यू डोंट रियली थिंक, क्या वाकई आप नहीं समझते देड किल समबॉडी, कि वो किसी को कत्ल कर देंगे? डू यू, है ना, क्या आप समझते हैं? आर्थर ने कोई जवाब ना दिया। शी सॉ हिज हैंड्स ट्रेम्बलिंग, उसने देखा कि उसके हाथ कांप रहे थे। आफ्टर अ वाइल, कुछ देर बाद ही गॉट अप, वो उठ खड़ा हुआ एंड लेफ्ट और चला गया। When he'd gone to work, जब वो काम पर चला गया, Norma remained at the table. Norma मेज पर बैठी रही, staring into her coffee, अपनी कॉफ़ी को घूर घूर कर देखती रही। I'm going to be late, मुझे देर हो रही है, she thought, उसने सोचा। She shrugged, उसने कंधे उचकाए। What difference did it make, क्या फ़र्क पड़ा है? What difference did it make, इससे क्या फ़र्क पड़ा है? While she was stacking dishes, जब वो बर्तन इकट्ठे कर रही थी, she turned abruptly, वो अचानक मुड़ी, dried her hands, अपने हाथ खुश किए, and took the package, और पलंदा निकाला, parcel निकाला, from the bottom cabinet, अलमारी की निचले खाने से, opening it, इसे खोलकर, she set the button unit on the table, उसने बटन वाला आला मेज पर रख दिया। She stared at it, वो उस पर उसकी तरफ घूरती रही, for a long time, बहुत देर तक उसे घूरती रही, before taking the key from its envelope, लिफाफे से चाबी लेने से पहले बहुत देर तक वो उसे घूरती रही, and removing the glass dome, और मेरा भी शीशा हटाने से पहले, वो लिफाफे से चाबी लेने और गिलास और मेहराबी शीशा हटाने से पहले बहुत देर तक इसे घूरती रही। शी स्टेयर्ड एट द बटन, वो बटन को घूरती रही। हाउ रिडिकुलस, कितनी मुजिका खेज बात है, शी थॉट, उसने सोचा। ऑल दिस फ्यूरर, ये सारा हंगामा, ओवर अ मीनिंगलेस बटन, एक बेमानी बटन पर, ये सारा हंगामा एक बेमानी से बटन पर है। रीचिंग आउट, हाथ बढ़ाते हुए, शी प्रेस्ड इट डाउन, उसने उसको दबा दिया। फॉर अस, हमारी बला से, शी थॉट एंग्रीली, उसने गुस्से से सोचा। शी शडर्ड, उसने कंधे उचकाए। वॉज इट हैपनिंग, क्या कोई मर रहा था, क्या ऐसा हो रहा था? A chill of horror, खौफ की एक लहर swept across her, उसके जिस्म में दौड़ गई। In a moment, एक लम्हा बाद, it had passed, ये गुजर भी गई। She made a contemptuous noise, उसने एक तहकीर आमेज आवाज़ निकाली। Ridiculous, मुजिका खेज, शी थॉट, उसने सोचा। टू गेट सो वर्कड अप ओवर नथिंग, खाम खा इतना परेशान होना, टू गेट सो वर्कड अप, इतना परेशान होना, ओवर नथिंग, खाम खा इतना परेशान होना। She threw the button unit, dome and key into the waste basket. उसने बटन वाला आला, मेरा भी शीशा और चाबी को रद्दी की टोकरी में फेंका। And hurried to dress for work, और काम पर जाने के लिए जल्दी से कपड़े पहनने लगी।
She had just turned over the supper sticks. उसने अभी just अभी turned over पलटे ही थे the supper sticks. शाम के खाने के लिए कतले. उसने शाम के खाने के लिए कतले कतलों को अभी पलटा ही था. When का मतलब यहाँ जब नहीं होगा, यहाँ मतलब होगा के, जहाँ हेड और जस्ट आ जाए तो फिर उसका वेन आ जाए तो उसका होता है के. द टेलीफोन रैंग, कि टेलीफोन की घंटी बजी. शी पिक्ड अप द रिसीवर, उसने रिसीवर उठाया. हेलो मिसेस लुइस, उसने कहा हेलो, और आगे से आवाज़ आई मिसेस लुइस, आप मिसेस लुइस हैं? उसने कहा यस. ये उसने ये नहीं कहा यस, यस मतलब आगे सवाली अंदाज में पूछा. दिस इज़ द लिनॉक्स हिल हॉस्पिटल, मैं लिनॉक्स हिल हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ. ये नहीं कहेंगे ये लिनॉक्स हिल हॉस्पिटल है. तो जब आप टेलीफोन पे बात करेंगे तो आपने इस तरह से बोलना है कि दिस इज़ अली, दिस इज़ उस्मान. तो इसी तरह से किसी जगह से आप बोल रहे हो तो आपने दिस बोलना है या इट बोलना है. दिस इज़ द लिनॉक्स हिल हॉस्पिटल, मैं लिनॉक्स हिल हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ. शी फेल्ट अनरियल, उसे यकीन नहीं आ रहा था, उसे ये रियल असली नहीं लग रहा था. एज द वॉइस इन्फॉर्म्ड हर, जब आवाज़ ने उसको इतला दी, जब उस आवाज़ ने उसे इतला दी ऑफ द सबवे एक्सीडेंट, ज़ेर ज़मीन हादसे के बारे में, उसे ये बात हकीकी नहीं लग रही थी, उसे यकीन नहीं आ रहा था जब उस आवाज़ ने उसे ज़ेर ज़मीन हादसे के बारे में उसको इतला दी. द शोविंग क्राउड, हुजूम की धक्कम पेल से, आर्थर पुश्ड फ्रॉम द प्लेटफॉर्म इन फ्रंट ऑफ द ट्रेन. हुजूम की धक्कम पेल से आर्थर प्लेटफॉर्म से ट्रेन के सामने गिर गया. शी वॉज कॉन्शियस ऑफ शेकिंग हर हेड, उसे पता था कि उसका सर हिल रहा है. शेक वाला ना में हिल रहा है, जैसे कोई बात ऐसे होती है तो इंसान ना में सर हिलाता है. तो उसको पता था, शी वॉज कॉन्शियस, वो बाखबर थी ऑफ शेकिंग हर हेड, कि उसका सर ना में हिल रहा है. बट कुडंट स्टॉप, लेकिन वो नहीं रोक सकती थी. एज शी हंग अप, जैसे ही उसने फ़ोन बंद किया, शी रिमेंबर्ड, उसे याद आई आर्थर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, आर्थर की ज़िंदगी की बीमा पॉलिसी, फॉर $25,000, $25,000 वाली, विद डबल इंडेमनिटी, दोहरे हर जाने वाली. फॉर आगे खाली जगह है तो ये होता है कि फॉर डेथ, अगर मौत हो जाए तो उस सूरत में 25,000 की जगह 50,000 मिलना था. एज शी हंग अप, जैसे ही उसने रिसीवर रखा, उसने फ़ोन बंद किया, तो उसे आर्थर की 25,000 की दोहरे हर जाने वाली ज़िंदगी की बीमा पॉलिसी, इंश्योरेंस बीमा पॉलिसी याद आई. No, नहीं, she couldn't seem to breathe. ऐसे लग रहा था जैसे उसे सांस ना आ रही हो. She couldn't seem to breathe. ऐसा लग रहा था जैसे उसे सांस ना आ रही हो. She struggled to her feet. उसने कोशिश करके अपने पाँव पर खड़ी हुई and walked into the kitchen numbly. और गुमसुम बावर्ची खाने में चली गई. Something cold pressed at her skull. As she removed the button unit from the waste basket. Something cold, कोई परेशान करने वाला एहसास. Something cold, कोई परेशान करने वाला एहसास. प्रेस्ट, दबाव डाल रहा था. एट हर स्कल, उसके दिमाग पर. कोई परेशान करने वाला एहसास उसके दिमाग पर दबाव डाल रहा था. एज शी रिमूव द बटन यूनिट फ्रॉम द वेस्ट बास्केट, जब वो
रद्दी की टोकरी से बटन वाले आले को हटा रही थी तो उसके दिमाग पर कोई परेशान करने वाला एहसास दबाव डाल रहा था। There were no nails, कोई कील नहीं थे और स्क्रूज या पेच नहीं थे विजिबल नजर आने वाले। क्या मतलब? कोई कील या पेच नजर नहीं आ रहे थे। She couldn't see, उसे समझ नहीं आ रही थी। How it was put together, इसे कैसे जोड़ा गया था, किसे? बटन यूनिट को। क्योंकि ना पेच थे ना स्क्रूज थे, पेच थे ना नेल्स थे, तो उसे समझ नहीं आ रही थी इसको कैसे जोड़ा गया। Abruptly, अचानक she began to smash it, उसने उसे टकराना शुरू कर दिया। On the sink edge, बेसन के किनारे से, सिंक के किनारे से, लगन के किनारे से। Pounding it harder and harder, और उसे तेज से तेज, ज़्यादा से ज़्यादा जोर से टकराने लगी, उस ज़्यादा से ज़्यादा जोर से ज़रब लगाने लगी। Until यहाँ तक के the wood split, लकड़ी टूट गई, यहाँ तक के लकड़ी टूट गई। She pulled the sides apart, उसने पहलुओं को, sides पहलू, साइडें जो लकड़ी के फट्टे होते हैं ना उसके साइडें, तो पहलू उसे बोलते हैं। She pulled the sides apart, उसने पहलुओं को खींच कर अलग कर दिया। Cutting her fingers without noticing, और उसकी उंगलियां भी जख्मी हो गईं और उसे पता भी ना चला। Without noticing, उसे पता भी ना चला। There were no transistors in the box, box में ना कोई transistors थे, no wires, ना कोई तारें थी और ट्यूब्स, और ना ही कोई नलकियां या ट्यूबें थीं, ट्यूब्स थीं। द बॉक्स वॉज एम्प्टी, डब्बा खाली था। शी वर्ल्ड विद अ गैस्प, वो हांफते हुए घूमी। शी वर्ल्ड, वो घूमी विद अ गैस्प, हांफते हुए। एज द टेलीफोन रैंग, जब टेलीफोन की घंटी बजी तो वो हांफते हुए घूमी। स्टम्बलिंग इन टू द लिविंग रूम, दीवान खाने में लड़खड़ाते हुए, वो दीवान खाने में लड़खड़ाते हुए आई। शी पिक्ड अप द रिसीवर, उसने रिसीवर उठाया। मिसेस लुइस, क्या आप मिसेस लुइस हैं? मिस्टर स्टुअर्ट आस्क्ड, मिस्टर स्टुअर्ट ने पूछा। इट वाजंट हर वॉइस श्रीकिंग सो, इस तरह से चीखता चीखता चीखती हुई उसकी आवाज़ नहीं लग रही थी, मतलब ऐसा नहीं लग रहा था। वो इतना चीख रही थी कि ये उसकी आवाज़ नहीं लग रही थी। इट कुडंट बी, ये उसकी आवाज़ हो ही नहीं सकती थी। यू सेड, आप वो कह रही है, यू सेड, आपने कहा था। आई वुडंट नो द वन, मैं उस शख्स को नहीं जानती होंगी। That died, जो मरेगा, क्या मतलब? मरने वाला शख्स मेरा जानने वाला नहीं होगा। आपने कहा था कि मरने वाला शख्स मेरा जानने वाला। अब यहाँ पर आपने लफ्जी तर्जमा करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो उसको आप मुहावरा कर सकते हैं। अब ये नहीं होगा, यू सेड, आपने कहा था कि आई वुडंट नो, मैं नहीं जानती होंगी द वन, उस शख्स को, दैट डाइड, जो मरेगा। आप इसे यूँ भी कर सकते हैं, आपने कहा था कि मरने वाला शख्स मेरा जानने वाला नहीं होगा। आपने कहा था कि मैं उस शख्स को नहीं जानती होंगी जो मर जाएगा। मुख्तलिफ जो भी है आप कर सकते हैं। माई डियर लेडी, अब इसका मतलब आपने ये नहीं करना, मेरी प्यारी खातून, आप कहेंगे मोहतरम खातून। मिस्टर स्टुअर्ट सेड, मिस्टर स्टुअर्ट ने कहा। डू यू रियली थिंक, क्या आप वाकई समझती हैं? यू न्यू योर हस्बैंड, आप अपने शोहर को जानती थी। यहाँ पर ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। तो इससे जो हमें लेसन मिलता है वो ये मिलता है कि बज़ाहिर तो आर्थर और नॉर्मा हस्बैंड एंड वाइफ थे और एक दूसरे को जानते थे, लेकिन हकीकत में एक दूसरे की सोच
एक दूसरे की सोच नहीं समझते थे। तो नॉर्मा का जो माइंडसेट था और था, और आर्थर का और था। तो वो सही नहीं जान सकी। आर्थर जो था वो नहीं चाहता था कि किसी तरह से भी ये इमोरल जो काम है ये हो सके, लेकिन उसने अपने हस्बैंड को वो ना समझ सकी, तो ना समझ सकी जिसकी वजह से ऐसा हुआ। तो ये एक रियल इंसिडेंट नहीं है, लेकिन ये बताने की कोशिश है कि असल में समझना एक दूसरे की ज़हनी कैफियत को समझने का नाम है। तो एक दूसरे की ज़हनी कैफियत को समझना, एक दूसरे के ख़यालात को, एहसासात को समझना ज़रूरी होता है। बेटा आपने इसकी ट्रांसलेशन लिखनी है और इसे अपने नोट्स में महफूज कर लेना है, क्योंकि अगर आप किसी भी की बुक से ट्रांसलेट करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी। मैंने पहले लफ्जी तर्जुमा कराया है, फिर उसके बाद आसान सा आपको आसान सी ट्रांसलेशन भी कराई है। तो आपने इसको एक दफ़ा ये पॉज कर करके आपने इसको लिखना है, फ्लैश में आप इसको सेव कर लें और इससे आपने एक दो दफ़ा सुन लीजिएगा और भी लिख भी लीजिएगा। तो इसके बाद पंक्चुएशन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। पंक्चुएशन ये जो फर्स्ट 5-6 लेसन्स हैं, इनकी पंक्चुएशंस बहुत इम्पॉर्टेंट हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो ये आपने दो दिन, ये आपके दो दिन का काम है, दो दिन आपने इसकी ट्रांसलेशन अच्छी तरह से करनी है। थैंक यू।